क्लास में आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक पुहार पाठ 14 छोटा रोबोट के अभ्यास कार्य को। आज हम छोटा रोबोट के अभ्यास कार्य मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ, ठीक है? तो चलिए, पहला हमारा शब्द है काल्पनिक, यानी कल्पना पर आधारित। सिलाई मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन। उत्साहित, जोश में भरकर। प्रतीक्षा, इंतजार। ये हमारे चार शब्दार्थ हैं जो कि बहुत ही आसान थे। अच्छा, उसके बाद ये श्रुतलेख शब्द हैं जिनका आप मौखिक और लिखित अभ्यास करेंगे, ठीक है? चलिए, उसके आगे आता है हमारा अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे जो ये प्रश्न है वो है मौखिक, ठीक है? पहला प्रश्न हमारा है, रीमा की नजर किस पर पड़ी? तो बच्चों, आप जानते हो इसमें दो बच्चे थे, रीमा और रोहन, ठीक है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि रीमा की नजर किस पर पड़ी, तो हमारा उत्तर क्या होगा, रीमा की नजर दूर पेड़ के नीचे सो रहे छोटे से रोबोट पर पड़ी। आप जानते हो ना बच्चों कि उस पेड़ के नीचे छोटा सा रोबोट सो रहा था, तो वहां पर रीमा की नजर पड़ी, जो हमें इस प्रश्न में बताना है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, रोहन और रीमा रोबोट को कहाँ ले गए? तो बच्चों, अगला प्रश्न में आपको बताना है कि रीमा और रोहन ने जब रोबोट को देखा तो उसके बाद वो उसे कहाँ लेकर गए। तो इसका उत्तर होगा, रोहन और रीमा रोबोट को माँ के पास लेकर गए थे, ठीक है? अगला प्रश्न देखो, गैपाठ, बच्चों ने रोबोट को कहाँ सुलाया? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, बच्चों ने रोबोट को अपने पढ़ने वाले कमरे में चटाई बिछाकर सुलाया, यानी कि जहां वो पढ़ते थे उस कमरे में नीचे चटाई बिछाकर उस रोबोट को सुलाया, ठीक है? और हमारा आखिरी प्रश्न है, अन्य रोबोट किसे ढूंढ रहे थे? तो उसका उत्तर बिल्कुल आसान है बच्चों, अन्य रोबोट उस छोटे रोबोट को ढूंढ रहे थे, ठीक है? तो ये हमारे चार मौखिक प्रश्न है। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारे आगे आता है लिखित प्रश्न उत्तर, और लिखित प्रश्न का पहला जो प्रश्न है वो क्या है, पेड़ के नीचे क्या था? तो इसका उत्तर बच्चों, आप जानते हैं, पेड़ के नीचे छोटा रोबोट सो रहा था, ठीक है? उसके बाद खैपाठ, रीमा और रोहन ने रोबोट को खाने पीने के लिए क्या क्या दिया? तो बच्चों, चैप्टर के आधार पर हमारा उत्तर होगा, रीमा और रोहन ने छोटे रोबोट को एक गिलास मीठा दूध और आलू के परांठे और सैंडविच खाने के लिए दिए, ठीक है? एक गिलास मीठा दूध, आलू के परांठे और सैंडविच खाने के लिए दिए, ठीक है? अगला प्रश्न देखो, छोटे रोबोट को बड़ा रोबोट साथ रात को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सका? यानी कि जो बड़ा रोबोट था वो छोटे रोबोट को अपने साथ रात के समय ही क्यों नहीं ले जा पाया? इसका उत्तर था कि जिस कमरे में छोटा रोबोट सो रहा था उसके दरवाजे और खिड़की दोनों बंद थे, यही कारण है कि छोटे रोबोट को बड़ा रोबोट अपने साथ नहीं ले जा सका, यानी कि उस कमरे की खिड़की बंद थी और यही कारण है कि वो उसको अपने साथ नहीं ले जा सका, ठीक है? अगला प्रश्न, रीमा और रोहन ने जाते हुए रोबोट से क्या कहा? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, रीमा और रोहन ने जाते हुए रोबोट से कहा कि फिर आना हमसे मिलने। क्या कहा? कि फिर आना हमसे मिलने। तो बच्चों, ये हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर थे, इनका अभ्यास करिए, इनको लिख कर देखिए। आगे के अभ्यास कार्य को हम आगे अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।